अस्सलाम वालेकुम, आयशा किचन में आपका स्वागत है। आज हम जमाने जा रहे हैं दही, जो कि बिल्कुल ठीक और गाढ़ा दही जमाकर हम आपको दिखाएंगे। दही जमाने के लिए हमने आधा लीटर दूध लिया है, हमने फुल फैट दूध लिया है। ये हमने इसे बॉईल करके हल्का ठंडा कर लिया है। हमें इसे इतना ठंडा करना है कि हमारी उंगली इसकी गर्माश को सह सके। हमने ये चीनी मिट्टी का बाउल लिया है, आप चाहे तो जर्मन के या स्टील के किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं। इस तरीके का आपके पास कटोरा हो तो आप उसमें भी जमा सकते हैं, या आप मिट्टी की हंडी में भी जमा सकते हैं। अब इसमें हम दही जमाने के लिए दूध डालेंगे। ये इस तरीके का फेस अगर दूध में आएगा तो आपकी दही बहुत अच्छी जमेगी, एकदम कड़क जम के तैयार होगी गाढ़ी दही। देखिए हमने पहले से दही जमा के रखी थी, कितनी कड़क और कितनी ठीक दही हमारी जम के तैयार हुई है। इसी दही से आज हम आपको दही जमा कर दिखाएंगे। तो देखिए हमें थोड़ा सा दही ले लेना है, बस इतना ही दही हमें लेना है दही जमाने के लिए, काफ़ी है इतना दही। इसे लेके हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। इस तरह डालने से दही अच्छी जमती है। अब हम इसे दूध में डाल देंगे और इसे इस तरीके से हल्के से नीचे से इसे हिलाना है। गर्मियों का मौसम है तो दही जल्दी जम जाएगी। हमें अभी इसे हिलाना नहीं है, हमें इसे कोई सेफ जगह पे रख देना है। अगर आपने इसे हिलाया तो दही सही नहीं जम के तैयार होगी। ये देखिए 3 से 4 घंटे के लिए हमने दही को जमने छोड़ दिया था। हमारी दही कितनी अच्छी 3 से 4 घंटे में जम के तैयार हो चुकी है, एकदम बिल्कुल कड़क ठीक दही जमी है हमारी। ये देखिए हमारी दही कितनी अच्छी जम के तैयार हुई है। अभी हम आपको इसे निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए इसे कतले जमे हैं, एकदम ठीक दही जमी है हमारी। ये तीन से चार घंटों में हमारी ये दही इतनी अच्छी जम के तैयार हुई है, एकदम कड़क और एकदम ठीक दही जमी है हमारी। बिल्कुल पानी वगैरह कुछ नहीं है हमारी दही में। ये देखिए कितनी कड़क दही जमी है हमारी। ये आप अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो आयशा किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।